हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को सिंगल कलर में डिज़ाइन बताऊंगी। ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को बच्चे के स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल फंदे चाहिए, जैसे कि 2 2 2 करके आप फंदे, जितना भी आपको फंदे डालना है जोड़ा जोड़ा करके फंदे डाल लीजिए। उसके बाद से देखिए, यहाँ बॉर्डर के बाद हम 3 सिलाई, समझिए कि बॉर्डर के बाद यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसको हम स्टिच वाला है, इसको हम बिन बुने ले लेंगे। यहाँ से हम सीधा बुनना स्टार्ट करेंगे। देखिए हम पूरी सिलाई यहाँ तक सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। ये हमारी सीधी साइड कंप्लीट हो गई। अब आ गई हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड से देखिए, ये हमारी स्टिच वाले फंदा है तो इसको हम स्किप कर लेंगे उल्टी साइड से, क्योंकि सीधी साइड से इसको हम बुने थे। तो यहाँ से हम, ये हमारी दूसरी सिलाई है और दूसरी सिलाई हम उल्टा ही बुन कर पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए इसी तरह हम पूरी सिलाई यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई, ये वो सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। अब इसको हम फिर से सीधी से, ये तीसरी सिलाई है और तीसरी सिलाई को हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे, यानी 3 सिलाई बॉर्डर के बाद बुनेंगे सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। ये सिलाई कंप्लीट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी 3 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ गई हमारी 4थी सिलाई। तो 4थी सिलाई को हम देखिए, इस ऊन को हम पीछे ले जाएंगे ऐसे, देखिए। और उसके बाद उल्टी साइड से हम सीधा बुनेंगे, देखिए ऐसे। ये 4थी सिलाई है और उल्टी साइड है, और उल्टी साइड से हमें सीधा बुनना है। यहाँ ये हमारे स्टिच वाला है तो इसको हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए अब आ गई हमारी सीधी साइड। अब सीधी साइड से हम इसको देखिए ऐसे करके हम, और फिर से ऊन को आगे लाएंगे। आगे करके देखिए, ये 2 फंदा 2 फंदा, 1 और ये 2, दोनों फंदा को सीधा जैसे बुनते हैं वैसे, ये ऊन हमारा आगे है। देखिए इसको हम ऐसे करके बुनेंगे। एक हमारा यहाँ जाली पड़ गया, देखिए तो 2 का 2 यहाँ बन गया। फिर से देखिए ऊन को आगे लाएंगे ऐसे, और फिर से ये 2 फंदा जो है, देखिए 1 और ये 2, इसको हम ऐसे यानी सीधा डालेंगे ऐसे। इसको हम ऐसे करके बुन देंगे। देखिए फिर से यहाँ पे 1 जाली हो गया और 1 फंदा ये। फिर उनको आगे लाएंगे और फिर से देखिए, फिर से उन आगे लाएंगे, फिर से हम 2 फंदा को 1 फंदा बनाएंगे। देखिए फिर उनको आगे लाएंगे, फिर से ये 2 फंदा को हम
दो फंदा को एक फंदा बनाएंगे। देखिए इसी तरह हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट तीन फंदे हैं, इसको हम दो का एक बनाएंगे, उनको आगे कर लेंगे। देखिए ऐसे, और ये जो लास्ट में जो फंदा बचा है, ये मेरा स्टिच वाला फंदा है, इसको हम सीधा बुन लेंगे सिंगल। अब आ गई हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड में हम देखिए, उल्टी साइड में इसको हम स्किप कर लेंगे, और ये यहाँ से हम उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। देखिए ये जो जाली है सबको हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी उल्टी साइड कंप्लीट हुए। देखें अब आ गई हमारी सीधी साइड। देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगता है ये बनने के बाद। अब इसको हम स्टिच वाला है, इसको हम उतार लेंगे इसके बाद। देखिए सॉरी, इसको हम उनको आगे करेंगे। और देखिए यहाँ हम उल्टा बुनेंगे। देखिए यहाँ पूरी सिलाई हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी लास्ट सिलाई है, उसको हम मन को पीछे करके सीधा बुन लेंगे। देखिए सारे फंदे को हमने उल्टा बुना है और स्टिच वाला को हम सीधा बुने। अब आ गई हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड से हम इसको स्किप कर लेंगे। अब यहाँ से हम उल्टी साइड से देखिए ऐसे बुनेंगे, यानी उल्टा बुनेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है और उल्टी साइड से उल्टा बुन लेंगे। पूरी सिलाई हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। हमारी उल्टी साइड ये कंप्लीट हो गई। अब आ गई हमारी सीधी साइड। सीधी सिलाई से ऐसे ही करके हम छह सिलाई बुने, या चाहे आपकी मर्ज़ी चार सिलाई पे बनाएं या आठ सिलाई पे बनाएं, यहाँ पे हमने छह सिलाई बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे चार सिलाई, इस सिलाई के बाद ये वाली जो उल्टी सिलाई बुने हैं, इसके बाद चार सिलाई हम सीधी उल्टी बुन के कंप्लीट किए हैं। अब ये आ गई हमारी पाँचवीं सिलाई, तो इसको हम स्किप करेंगे। देखिए उसके बाद ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, इधर से हम सीधा बुनेंगे। देखिए एक ऐसे करके हम पूरी सिलाई हम उल्टी साइड से सीधा बुनेंगे। देखिए इसी तरह हम पूरी सिलाई बुन के कंप्लीट करेंगे ऐसे। देखिए हमारी उल्टी साइड कंप्लीट हो गई। उल्टी साइड से सीधा बुन के हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आप चार सिलाई बुने या छह सिलाई बुने या आठ सिलाई, ये आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी चाहें ये आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से ये बना सकती हैं ये धुरी। उसके बाद यहाँ से देखिए फिर एक हम आपको बता देते हैं, इसको हम स्किप करेंगे। उसके बाद देखिए उनको आगे लाएंगे ऐसे। उसके बाद देखिए
ये ऐसे दो का एक फंदा यहाँ बनाना है। देखिए एक जाली हो गया और दो का एक, फिर से उनको आगे लाएंगे, फिर यहाँ हम देखिए ऐसे फिर से दो का एक बनाए। फिर से उनको आगे लाएंगे, फिर दो का एक बनाएंगे। देखिए फिर से उनको आगे लाएंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे। देखिए इसी तरह हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे जैसे ये वाला बनाए थे। देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। देखिए अब ये आ गई हमारी फिर से उल्टी साइड। उल्टी साइड से हम वैसे ही बनाए थे जैसे फर्स्ट डिजाइन में बनाए थे, वैसे ही बनाएंगे। ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी जाली है, जाली को भी हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए ऐसे इसी तरह हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे उल्टा बुनकर। देखिए हमने उल्टी साइड से उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया। देखिए अब फिर से जैसे यहाँ पे एक बता देते हैं आपको, जैसे इसको स्किप करेंगे और ये सीधी साइड से हम सॉरी देखिए फंदे ऐसे हम उल्टा बुनेंगे। देखिए ऐसे पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। उसके बाद फिर से हम चार सिलाई सीधी उल्टी बुन के फिर से ये डिजाइन डालेंगे। ऐसे ही हम बार बार रिपीट करेंगे और हमारी जितनी भी लंबाई बुननी है इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। जैसे अब यहाँ से बुन लिए, फिर इधर से उल्टी साइड से आएंगे तो चार सिलाई हम सीधी उल्टी बुनेंगे। उसके बाद से फिर पांचवी सिलाई ये वाली उल्टा बुनेंगे। उसके बाद से फिर छठी सिलाई में ये हमारी डिजाइन डलेगी यानी जाली। देखिए देखिए डिजाइन बनने के बाद से कितना सिंपल और कितना खूबसूरत लग रहा है डिजाइन, और बनाने में भी बहुत ही आसान है ये डिजाइन। आप इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं। अब इसको इस गैप को आप हम यहाँ पे फोर फंदे बिन फोर सिलाई बिने हैं, चार सिलाई आप चाहें तो छः सिलाई बुने या आठ सिलाई पे आप बना सकते हैं। हम यहाँ पे चार सिलाई के बाद ये दूसरी डिजाइन डाले हैं, और बॉर्डर के बाद से तीन सिलाई के बाद या पांच सिलाई के बाद आप इस डिजाइन को बना सकती हैं। उसके बाद से चार सिलाई रखिए या छः सिलाई या आठ सिलाई, ये आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से इस गैप को रख सकते हैं। ये डिजाइन पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक।